So, well, स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ डेंसिटी. और इस सेशन में हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, तो वेल वी आर गोइंग टू वे डिफरेंट मटेरियल्स, राइट, स्केल पर डाल के हम उसका जो है मास कैलकुलेट करेंगे पहले, और उसके बाद जो है हम उसे वाटर में डालकर उसका जो है वॉल्यूम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, और उस बेसिस पर हम गेस करेंगे कि डेंसिटी के हिसाब से वो कौन सा मटेरियल है. ऑलराइट, लेट मी ट्राई विद सेट वन फर्स्ट. सेट वन के ब्लॉक्स के साथ पहले हम शुरू करते हैं. सो वी हैव गॉट वन ए, वन बी एंड वन सी. तो चलिए पहले वन ए को डालें. सो इट इज 19.30 किलोग्राम. ओके, लेट मी पुट इट इनटू वाटर. देखिए ये 100 लीटर वाटर का जो है ये वॉल्यूम है, तो इसमें इसको डालते हैं. तो इससे जो है कितना बढ़ाया, 5.50 लीटर जो है इसने वाटर को डिस्प्लेस किया, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना है 5.50 लीटर और मास कितना है 19.30 किलोग्राम. सो कैन यू क्विकली पॉज, वी कैन पॉज द वीडियो हियर एंड क्विकली चेक द डेंसिटी. चेक कर लिया होगा आपने अभी तक में, राइट, 19.30 डिवाइडेड बाय 5.50, राइट. सो दिस इज वेरी क्लोज टू द डेंसिटी ऑफ डायमंड, राइट. चलिए नाउ लेट्स ट्राई ऑब्जेक्ट 1B. कितना है इसका मास, 0.40 किलोग्राम. ये जो है मोटा मोटी 40% पानी के नीचे है और 60% पानी के ऊपर है, राइट. तो 40% जो ये पानी के नीचे है, तो इसने जो है 0.40 लीटर वाटर को डिस्प्लेस किया है. तो यानी कि 0.40 लीटर जो है वो इसका वॉल्यूम हुआ और 0.60 जो है वो ऊपर वाले का वॉल्यूम हुआ. ओवरऑल जो है 1 लीटर इसका वॉल्यूम हम मान सकते हैं इस सिनेरियो में. तो इन दैट केस इसका डेंसिटी क्या हुआ, कैलकुलेट करिए. मान लीजिए कि इसका वेट जो है 0.40 किलोग्राम था मास, और इसका वॉल्यूम जो है वो कितना था, 1 लीटर. In that case, its density will be 0.40 kilogram per liter. That's its density. So it is closer to wood. चलिए इसको इस पर जमा कर दें. Now let us put this on the scale. It's 19.30. और water ये कितना displace करेगा? 1 liter. So it means that it is certified gold, right? क्योंकि gold का भी density कितना है, 19.32 kilogram per liter, right? So 1C is gold. E को try करें अब हम. पहले तो हमें E का जो है mass निकालना पड़ेगा, 2.80 kilogram, right? 2.80 आप लिख लीजिएगा किलोग्राम. अब इसको हम डिवाइड करेंगे बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट डिस्प्लेसेस. सो ये जो है लेस देन, या इट्स यू नो लाइक अप्रोक्सीमेटली 40% इट्स बिलो वाटर एंड रेस्ट ऑफ इट इज अबव वाटर. और इसका जो है कितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया है, 2.80 लीटर इसने जो है डिस्प्लेस किया है. तो इस हिसाब से अगर हम मेजर करें तो 60% इज एबव द वाटर. तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, कैन यू गाइस मेक अ गेस? लेट अस ट्राई. या 2.80 केजी एंड इट डिस्प्लेसेस वाटर अराउंड 2.80 लीटर एंड 40% इज बिलो वाटर. सो मीन्स इसका डेंसिटी जो होगा वो 40 किलोग्राम पर लीटर के आसपास है, लेकिन मतलब कि ये भी जो है वुड का ही पीस है.
अब चलिए हम लोग सेट टू को ट्राई करें. अगेन वी आर गोइंग टू ट्राई सम न्यू थिंग्स हियर. लेट मी ड्रॉप 2A, 18 किलोग्राम. पानी में डाला हमने तो कितने को इसने डिस्प्लेस किया, 2.59. सो इसकी डेंसिटी जो है वो स्टील से कम है, राइट. टू बी मास 10.80, वॉल्यूम 4 लीटर, डेंसिटी 2.7, मतलब कि ये ग्लास के बराबर है. टू पॉइंट सेवन जीरो के जी, वॉल्यूम इज 1 लीटर, मीन्स दिस इज ऑल्सो अ पीस ऑफ ग्लास. एटीन के जी, वॉल्यूम 4 के जी, 4.5, मीन्स इट्स टाइटेनियम. Forty-four point eight zero divided by what's the volume? 5 liter, 8.96, means it's copper. Now should we try set 3 as well? चलिए try कर ही लेते हैं. 3A, it's a mass is 2.85. अगर इसको हम पूरी तरह पानी में डुबाते हैं, इट डिस्प्लेसेस 3 लीटर ऑफ वाटर, सो इट्स डेंसिटी इज 0.95, राइट, वेरी क्लोज टू human density, right? Density of human body. 3B, its mass is 6 kilogram, so take 6. And its volume is also 6 liter. So means its density is equal to that of water. Well, its mass is 23.40 and its volume is 3 liter. So its density is approximately 7.80 kilogram per liter. Its mass is 2 kilogram. And its volume is 6. Sorry, 5 liter. So basically its density is around wood, right? 0.40 kilogram per liter. So it's very similar to wood. Not similar, it's the same as wood. दो और बक्सा गिर गया है. We will check it out later. चलिए 3E का जो है मास कितना है, 6 किलोग्राम, और इसकी इसका वॉल्यूम जो है वो कितना है, 6.32 लीटर. सो लेट्स चेक इट आउट. What is the density of this object? Right. So again, it's close to 0.95. मतलब इसकी density जो है वो human के पास है. All right.
सो इस तरीके से हम लोगों ने जो है चलिए डेंसिटी निकालना भी सीखा, यानी कि डेंसिटी की हमने फर्दर प्रैक्टिस भी कर ली, और साथ साथ डेंसिटी के बेसिस पर हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, वाटर डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर हम कैसे ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया. ऑलराइट, तो उस बेसिस पर हम जो है डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ऑलराइट, दैट इज एनफ फॉर टुडेज सिमुलेशन सेशन. बाय बाय.